हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकित एंड वेलकम टू आवर चैनल AH स्मार्ट टेक। तो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं एक गेमिंग थंबनेल के बारे में कि आप एक प्रोफेशनल गेमिंग थंबनेल कैसे बना सकते हैं बिल्कुल टोटल गेमिंग की तरह, यानी कि अज्जू भाई की तरह। तो यार आपने उसका थंबनेल देखा होगा, उसका थंबनेल कितना ज़्यादा ओपी होता है। तो यार मैं उसी की तरह बनाना सिखाऊंगा थंबनेल। तो यार अगर आप एक गेमर हैं, यूट्यूब पर गेमिंग वीडियोज अपलोड करते हैं, तो यार ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यार इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो यार अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो यार इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में भी शेयर करना, क्योंकि अगर आपके दोस्त भी गेमर हैं तो ये वीडियो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यार मैं आपको इस वीडियो में गेमिंग थंबनेल बनाना सिखाऊंगा, वो भी पिक्सल लैब एप्लीकेशन पर। तो यार ये वीडियो को चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलो यार चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। सो गाइस, हम लोग आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। तो चलिए सबसे पहले हम लोगों को पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो यार ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा ओपन करने के बाद। फिर आपको यहाँ पर एक आइकन दिख रहा होगा, फिर आप लोगों को इस आइकन पर क्लिक करना है। एंड इसके साइड में आपको फ्रॉम गैलरी का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो यार आप लोगों को इस पर क्लिक करना है एंड एक फ़ोटो ले लेना है कुछ इस प्रकार का। तो यार आप लोगों को कुछ इस प्रकार से एक फ़ोटो क्लिक करना है, तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा। तो यार आप लोगों को साइड में दिख रहा होगा, मैंने इसे ब्लर किया हुआ है। तो यार आप लोगों को भी किसी भी एप्लीकेशन की मदद से इसे ब्लर कर लेना है। आप चाहे तो स्नैपसीड या कोई भी अदर एप्लीकेशन से इसे साइड में ब्लर कर सकते हैं, जिससे होगा क्या कि यार ये जो ऑब्जेक्ट दिख रहा होगा स्कोप का, ये हाईलाइट ज़्यादा होगा। तो यार आप लोगों को भी इसे ब्लर कर लेना है। उसके बाद का प्रोसेस मैं बताता हूँ। तो उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको टेक्स्ट दिख रहा होगा। फिर आप लोगों को यहाँ पर अपने जितने भी अपने गेम के दौरान जितने भी किल किए होंगे तो यार वो लिख देना। तो यार जैसे मैं यहाँ पर 10 किल्स लिख रहा हूँ, तो यार 10 किल लिख दिया मैंने जैसे। तो यार इसे थोड़ा सा तिरछा टाइप का कर लेंगे, फिर इस प्रकार का। फिर आप लोगों करके आप लोगों को इसका फॉन्ट, एक बढ़िया सा फॉन्ट ले लेना है। तो उसके लिए फॉन्ट में आपको मैं रिकमेंड करूँगा, यानी कि ये वाला फॉन्ट लेने के लिए, ये फॉन्ट बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है मुझे। तो यार ये मैंने ले लिया एंड अब इसका मैं कलर चेंज करूँगा। तो यार इसके लिए हम लोगों को जाना होगा कलर पर। तो यार आपको कलर दिख रहा होगा, तो यार हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ऐसे करेंगे 10 को हम लोग पीले कलर से हाईलाइट करेंगे, किल को हम लोग ग्रीन कलर से हाईलाइट करेंगे। तो यार ये कुछ ऐसा दिखेगा। फिर आप हम लोगों को टिक कर देना है। फिर हम लोगों को क्या करना है, जाना है स्ट्रोक में। तो यार स्ट्रोक में जाके इसे इनेबल कर देना। तो यार आप स्ट्रोक को बढ़ा घटा सकते हैं, 6 पर ही ठीक ठाक लग रहा है। तो यार आप इसे घटा बढ़ा सकते हैं, तो यार इतना पे ठीक ठाक लग रहा है। तो यार आप लोगों को फिर टिक कर देना है। फिर आप लोगों को यहाँ पर एक फिर से यहाँ प्लस आइकन पर क्लिक करना है एंड टेक्स्ट पर क्लिक करना है। और फिर से आप लोगों को कुछ भी आप जो चाहें लिख सकते हैं। जैसे मैं अभी एक गन का नेम लिख देता हूँ, जैसे 2AWM। तो यार AWM, तो यार मैंने ये गन का नेम लिख दिया। तो यार आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो यार जैसे मैंने ये 2AWM लिखा, फिर से मुझे वही वाला फॉन्ट चुन लेना है जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, ये वाला। तो यार फिर से हम लोगों को इसे बढ़िया से सेट कर लेना है। तो यार हम लोग कलर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यार यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही वाला स्टेप फॉलो करेंगे। 2 को हम लोग को रेड कर देना है एंड AWM को हम लोग ऐसे लेके जाके ये ऐसा कुछ पीला कलर का मैंने कर दिया है। तो यार आप लोगों को फिर यहाँ पर टिक करना है, फिर वही स्टेप्स, हम लोगों को स्ट्रोक के ऑप्शन पर जाना है एंड स्ट्रोक को इनेबल कर लेना है। तो यार ये कुछ गजब ही थंबनेल लग रहा है। तो यार आप लोग देख सकते हो, आप इसे एडजस्ट कर सकते हो। सो गाइस, आप लोग इसे अपने मन मुताबिक किसी भी तरह सेट कर सकते हो। तो गाइस अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को एक फ्री फायर का PNG यहाँ पर सेट करना है। तो उसके लिए आप लोगों को प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है एंड फ्रॉम गैलरी पर जाना है एंड कुछ ऐसा फ्री फायर का PNG हम लोगों को सेट करना है। तो हम लोग इसे अपने मन मुताबिक कहीं भी सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर नीचे पर सेट कर दिया है एक छोटा सा, तो आप चाहे तो यहाँ कोने में कहीं भी लगा सकते हैं इसे।
सो गाइस अब ये एक प्रोफेशनल थंबनेल बन चुका है। तो यार अब आप लोगों को क्या करना है, इसे एक्सपोर्ट कर लेना है। इसके लिए हम लोगों को इस वाले आइकन पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आप हम लोगों को PNG चूज़ करना है एंड यहाँ डिफ़ॉल्ट में जाके हाई, वेरी हाई, अल्ट्रा आप जो चाहें चुन सकते हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप वेरी हाई ही चुनें। उसके बाद आप लोगों को सेव टू गैलरी पर क्लिक करना है। तो यार आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यार ये इमेज सेव हो जाएगा। तो यार ये था आज का, यही तक था ट्यूटोरियल। तो यार ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा तो यार वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छा लगा होगा। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।